इस क्लास में हम देखेंगे पास्ट टेंस का वॉइस बनाना और मॉडल का और इन्फिनिटिव का कैसे वॉइस बनाएंगे। अगर हमको भी आता है किसी पास्ट टेंस का वॉइस चेंज का कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्टिव वॉइस डिसाइड कर लेते हैं और इसे पैसिव वॉइस, मेरी आवाज सीधे जा रही है, ठीक है? एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का जो रूप होगा इस तरह से, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा, ठीक है? इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव जो है सब्जेक्ट प्लस हो जाए वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस वॉच वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या हो जाएगा प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसा होगा। तो इसके एग्जांपल हो जाएगा, तो ही एट मैंगो, ये एग्जांपल है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा रूप है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे में चेंज करें, इस तरह का एग्जांपल आता एग्जाम में, तो हम इस तरह कैसे चेंज करें, तो इसको बनाएंगे ए मैंगो लेकिन सब्जेक्ट में मैंगो, वॉज या वर्ब क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे वॉज लगाएंगे प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है इसमें एट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तीसरा रूप क्या होगा ईचन होगा, ईच एट ईचन होगा, ईच मतलब खाना होता है, ईचन वर्ब का तीसरा रूप ईचन, ईचन वर्ब का तीसरा रूप होगा बाय जाएगा, ईचन बाय, अब एजेंट क्या है ये ही है, ही का हम ऑब्जेक्टिव के साथ चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, क्या होगा हिम हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा हिम, मैंगो, इसका क्या आप बनाएंगे मैंगो वॉज ईटन बाय हिम। तो अब हम देखते हैं, ये तो पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम इसको वर्ब के जगह होता है वॉज हुआ होता है वॉज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी लगा, क्या लगा होता है आई एन जी, टेंस पढ़े थे उसमें हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इस रूप में होता है, क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और इसे हम जब बनाना हुआ तो यहाँ वर्ब लेयर लगा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेयर प्लस बीइंग हो जाएगा, क्या होगा बीइंग बीई, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, इसे प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक है? इस तरह का अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब प्लस वर्ब आई जी प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उस तरह से चेंज करेंगे। तो इसे देखिए जहां पर देखते हैं, तो देखिए बनाएंगे दे 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 वी आर गोइंग गोइंग टू स्कूल, इस तरह का एग्जाम्पल आता है दे वी आर गोइंग टू स्कूल, इसको हम बनाएंगे कैसे वो हम बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये वॉच वर्ब यहाँ पर है देयर और गोइंग है वर्ब आईएनजी लगा हुआ है और ये है टू प्लस ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे कैसे देखिए ये स्कूल ये बनाएंगे स्कूल 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 के बाद वॉच वेयर लगा है क्या वॉच और वेयर, तो वॉच लगा देंगे स्कूल के साथ वॉच जाएगा सिंगुलर है तो वॉच बीइंग लगा दे बीइंग हो जाएगा क्या होगा बीइंग स्कूल बीइंग
बीन भर का तीसरा रूप आना, भर क्या था गो, गो का तीसरा रूप होता है गो वेंट गॉन, हो जाएगा गॉन गॉन बाई लगाने के और एजेंट क्या है दे है, ये दे है दे, दे को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा देम, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस दे का क्या होता है देम, यहाँ पे स्मॉल टे टी एच ई एम देम ये होगा ठीक है। अब इसका हम चेंज कर दें, दे वेयर गोइंग टू अ स्कूल, द स्कूल वॉज बीइंग गॉन बाय देम, ये बनेगा इस तरह से। कोई भी और एग्जाम्पल लीजिए बनाइए, और कोई भी और नहीं समझ में आता है तो हमें जरूर कमेंट करें, हम उसका बनाकर बना लें या नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे या नेक्स्ट क्लास चलें उस हम जरूर इसका डिस्कस करेंगे। तो आगे का जो है हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट देखे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कैसे हम पहचानते हैं, हिंदी में आप देखते हैं वाक्य हिंदी में होता है, वो खा चुका है, वो खाना खा चुका है, वो बाजार जा चुका है, वो स्कूल जा चुकी है, इस तरह का जो होगा वो क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा। इंग्लिश में होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो इंग्लिश में होने के लिए उसको यहाँ पर वॉच वेयर की जगह पे हैड क्या होगा हैड हैड क्या होगा हैड हैड प्लस भर का तीसरा रूप होगा, क्या होगा प्लस होते हैं भर कौन सा रूप तीसरा रूप होता है परफेक्ट में। तो देखते हैं तो और इससे किस तरफ कैसे बनाएंगे, पैसे कैसे बनाएंगे ये भी तो सोचना है, उसका रूल क्या है, रूल है ये सिंपल सा रूल है वही होगा सब्जेक्ट प्लस हैड होगा, हैड के साथ हैड बिन लगा देंगे, हैड बिन प्लस भर का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और सॉरी बाई प्लस एजेंट हो जाएगा, आप बाई हो जाएगा प्लस एजेंट ठीक है, ये सब्जेक्ट प्लस हैड, देखिए हैड हैड जो होगा हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जो कि आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड सबके साथ लगता है और उस हैड की हैड सबके साथ लगा, कोई ऐसा नहीं जो सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर या ऐसा नहीं, सब के साथ हम हैड लगाएंगे। देखिए ले लेते हैं एग्जांपल, वी हैड बिल्ट लिखना बी यू आई एल टी बिल्ट, बिल्ट मतलब बनाना होता है, बिल्ट का पूरी टाइम बिल्ट बिल्ट होता है, तो बिल्ट ये बिल्ट है हाउस हाउस क्या होता है, सारा एग्जांपल अपने मन से लिया, आपको कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बुक से रीड कर रहे तो, नहीं तो हम नेक्स्ट में हमें एक पूरा प्रैक्टिस डाल देंगे एक्सरसाइज में तो जिससे आप घर पर बनाएंगे जो भी बनाना हो हम आगे हम बताते रहेंगे कैसे बनाएंगे उसको प्रैक्टिस से, तो पीडीएफ जरूर आप प्रोवाइड करेंगे आपको उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसको आप बनाएंगे कैसे, तो वी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके आपकी ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा ये हो जाएगा ए हाउस, ए हाउस हैड बीन कर लेगा आप, देखिए रूल पे ध्यान दीजिए रूल के हिसाब से ना है, रूल से ही बनेगा नहीं तो नहीं बन रहा है, हैड प्लस बीन हैड बीन भर का तीसरा रूप, ये भी तीसरा रूप है, इसमें आसानी क्यों हो जाता है कि तीसरा रूप याद करने की इसमें या खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें जो भर का तीसरा रूप है ये भी तीसरा रूप है दोनों वाली लाइन से अच्छा, ये तो एक थोड़ा आसान है एग्जाम के अंदर। बिल्ड अब देखिए बिल्ड बाई आ जाएंगे, बाई किसके द्वारा बनाया गया है तो हमारे द्वारा, हमारे हिंदी का ऑब्जेक्टिव किस अस होता है, क्या होता है अस, ये अस, तो इतना हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट जो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं देख लीजिए, और अब हम देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते, और बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर नहीं बनता, फ्यूचर को मॉडल में रखते हैं, मॉडल में रखते हैं, मॉडल तेरह वो होते हैं, मॉडल तेरह होते हैं, मॉडल को आप क्या होते हैं मॉडल कर लेते हैं, इसमें मॉडल मॉडल आपका कितना होता है थर्टीन होता है, थर्टीन तो कौन कौन होता है नोट कर लीजिए, देखिए होता है विल वुड शैल शुड कैन
फूड मे माइट मस्ट नीड आउट टू कितना चार चार ग्यारह पांच दस ग्यारह आउट टू और है यूज टू और डेयर यूज टू और डेयर ये कितने सारे मॉडल हो गए इसकी और मॉडल किसी भी सेंटेंस में एक्टिव एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और उसमें ये इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये मॉडल दिए हुए हैं तो उसे क्या करना ये सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ये मॉडल होगा कोई इनमें से कोई एक प्लस वर्ब का पहला रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट हो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस ये मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का ही एक्टिव वॉइस होता है मिले तो उसको पैसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना बहुत ही इजी है इसमें हमें ये सब्जेक्ट लिखना होता है पैसे बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी लगाते हैं क्या लगाते हैं बी मॉडल प्लस बी प्लस अब पता है वर्ब में कौन सा रूप लगेगा पता है वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस एजेंट ये है ये पैसिव फॉर्म बनाने का और इससे सब्जेक्ट प्लस बी वुड सेल्स वुड कैन वुड मे माइट मस्ट नीड आउट टू यूज टू डेयर वर्ब इतना 13 वर्ब है 13 में से कोई भी दिया हुआ वर्ब का पहला रूप दिया गया वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस तरह से बनाने सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का तीसरा बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस एजेंट वर्ब बने तो बना के देखो सकते हैं आई विल आई के साथ विल भी लगता है सेल भी लगता है आई विल गो टू मार्केट ये एक्टिव फॉर्म है ये है एक्टिव वर्ब तो पैसिव कैसे बनाएंगे पैसिव करने के लिए हमें क्या करेंगे तो मार्केट लिख देंगे इस साइड मार्केट आ जाएगा मार्केट अब देखिए लिखा हुआ मॉडल लिखना है मॉडल प्लस बी लगाना है मॉडल ये हो गया इसको उतार देंगे मॉडल के साथ लिखा हुआ बी लगाना है क्या लगाना है बी बी है मॉडल उसके बाद बी लगा देंगे प्लस देखिए मार्केट बिल भी हो गया प्लस इसमें नहीं लगाएंगे भर का तीसरा रूप ये भर है ना यहाँ पर तीसरा रूप है गो का तीसरा रूप क्या होता है गॉन गो इन गॉन गॉन अब यहाँ क्या देंगे टू गॉन बाय लगाएंगे क्या लगाएंगे गॉन बाय लगाएंगे यहाँ बाय लगाना बाय प्लस एजेंट एजेंट कौन है ये इसके कम यहाँ पर लाके लिखते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है आई का मी ये हो गया देखिए आई विल गो टू मार्केट मार्केट विल बी गॉन बाय मी इस तरह से हम मॉडल को वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है अब देखिए दूसरा लेते हैं कोई भी लेते आई कैन डू इट या यू कैन डू इट टाइप के बना लेते आई से यू कैन डू इट डू इट तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे तो ये इक्वल ला देंगे यहां पे ऐसे पास में इट कैन का कैन यहां बता देंगे कैन के पर के कैन के साथ क्या लिखना है कैन के साथ बी लगाना है आई कैन बी अब भर का ये भर का कौन सा रूप उतरेगा तीसरा रूप डन बाय डी ओ एन ई डन होता है ऊपर भी लिखा है डन अब बाय लगा देंगे डन बाय नीचे वाला डन हो गया बाय अब इसको हम क्या करें यहाँ पर डाल दें बाय यू यू का देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है डन बाय यू यह स्मॉल बाय है डन बाय
यू बस इसी तरह यहाँ पर सेल लगाया होता है तो सेल लगाया है, सेल भी होता है, फूड होता है तो फूड भी होता है, सूट होता है तो सूट भी, कोई भी और मॉडल होगा इसी तरह से। देखिए इंफिनिटिव का जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब प्लस टू योर टू प्लस वर्ब का वन पहला नाम होगा प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब, ये एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है इतना ये जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टी ओ टू लगा रहे हैं प्लस वर्ब का पहला नाम ऑब्जेक्ट, तो इससे देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे आई एम टू बाई ए न्यू कार, ये इस तरह का दिया हुआ है। अलग अलग से सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टी ओ लगा रहे हैं, टी ओ लगा वर्ब का पहला फॉर्म, इसे वर्ब का पहला फॉर्म लगा है, ये ऑब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव में बनाने के लिए हमें बनाना होता है टी ओ के बाद बी ई लगा देंगे, टी ओ प्लस बी ई प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, बस सिंपल सा ये लॉजिक है, इससे ज्यादा नहीं लॉजिक है कुछ। तो बनाए कैसे, ए न्यू कार से आना चाहेंगे, ए न्यू कार, ए न्यू कार, अब हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे यहां पे एम का, एम यूज करेंगे एम, अब एम के बाद टी ओ टू लगा लेंगे, एम टू, टू के बाद बी लगाना है, इसको एम का लेंगे बी लगा लेंगे, बी वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप, ये वर्ब वन है, वर्ब का तीसरा रूप बाई बाउट काउंट होता है बी ओ यू जी एच टी बाउट बाय बाउट राइट मी, आई का मी हो जाएगा, ये हो गया। तो ये आई एम टू बाई ए न्यू कार, ए न्यू कार एम इज हो जाएगा ना, न्यू कार के साथ इज रहेगा, न्यू कार इज, ए न्यू कार इज टू बाउट बाय, ए न्यू कार इज टू बी बाउट बाय मी। आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, धन्यवाद।